तो शरद पवार से मुलाकात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने की है, और दोनों नेताओं की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है, जिसमें आप देख रहे हैं इससे थोड़ी देर में ये अपनी बात भी यहाँ पर रखेंगे। क्या इन दोनों नेताओं के बीच बात हुई है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश है उसके सिलसिले में विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं और इसको लेकर जो है उनका समर्थन वो उनसे मांग रहे हैं, और इसी सिलसिले में शरद पवार से भी उन्होंने मुलाकात की है। पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय संजय सिंह जी साथ में आए हुए, उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और युवा नेता माननीय राघव चड्ढा जी और दिल्ली की मंत्री महोदया माननीय आतिशी जी आज यहां मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी को और उनके साथ हम सभी उनके सहयोगियों को आज केजरीवाल जी के और मान साहब के नेतृत्व में यहां मुलाकात हुई और देश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व ने की और खास करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो पांच बेंच की खंडपीठ जो फाइव मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पिछले 8 वर्षों से दिल्ली सरकार की याचिका पर गंभीर तरह से सुनवाई के बाद अपने जजमेंट को पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो आप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया उसमें 5-0 के जजमेंट के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसको मंजूर किया और जो दिल्ली सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को स्वायत्तता होनी चाहिए अधिकार होना चाहिए क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है मगर वहां की विधानसभा है और वहां की सरकार मुख्यमंत्री महोदय के जुड़े हुए मुख्यमंत्री महोदय के अधीन काम करती है तो उनको सारे अधिकार जो मिलने चाहिए एक राज्य सरकार के खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बारे में वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया लेकिन उसके पश्चात केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को एक नए कानून का स्वरूप देने का काम किया और वो ऑर्डिनेंस स्वाभाविक है कि ऑर्डिनेंस तब तक ही लागू रहता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में संसद में उसको पारित नहीं किया जाता है तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ये ऑर्डिनेंस भी वहां पर बिल के द्वारा कानून के द्वारा वहां पर पार्लियामेंट में पेशित होगा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों को फिर उस पर मतदान करने का और बहस और मतदान करने का अधिकार रहेगा तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ साथ मान साहब ने भी पवार साहब से खास करके आगे आने वाले इस विधेयक के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इसमें एकजुटता और एकता दिखाकर इस बिल का मुकाबला करना चाहिए सरकार की जो नीति है जिसकी वजह से एक गलत एक परंपरा की शुरुआत हो रही है जहां एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है और जो इनके आने के पूर्व जो सरकार थी जिसको कभी इस तरह का कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन आज केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष की वजह से
दिल्ली के प्रशासन पर बहुत उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। तो उन्होंने पवार साहब को गुजारिश की एनसीपी के नेता के नाते भी और साथ साथ में देश के वरिष्ठ राजनेता के नाते कि उन्होंने भी इस मामले में एक मत बनाने की पूरे विपक्षी दलों में कोशिश करना चाहिए ताकि ये बिल को वहां पर खास करके राज्यसभा में क्योंकि लोकसभा की तो आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा सीबीआई के द्वारा पैसों के द्वारा तोड़ के एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। देश जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकारों को तोड़ के खरीद के अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें और शरद पवार साहब देश के आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है बीजेपी पास नहीं करवा पाती है तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया पटेल साहब, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल साहब और एनसीपी के नेता और देश के बड़े नेताओं में जिनका शुमार होता है माननीय शरद पवार जी, इन पार्टी के राज्यसभा के साथी सभी मीडिया वाले साथी, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोलना, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं इन्होंने बोल दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। कहने को तो हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं लेकिन अगर अंदर एक झाप अंदर देखा जाए तो डेमोक्रेसी तो डे बाय डे ये हत्या कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, चाहे वो मीडिया के जरिए करवा रहे हो चाहे वो किसी को एमएलए को तोड़ के खरीद के करवा रहे हो चाहे किसी को गिरफ्तार करके सीबीआई की तरफ से करवा रहे हो। जो गवर्नर है देश में वो स्टार कंटेनर बन चुके हैं बीजेपी के और जो राजभवन है वो इनके हेड ऑफिस बन चुके हैं बीजेपी के। गवर्नरों से हर रोज हिसाब मांगा जाता है कि कितनी बार तंग किया आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को। अगर कोई गवर्नर कहता है जी मैं केंद्र तंग नहीं कर पाया तो उसकी गवर्नरी भी खतरे में हो जाती है कि आपको किस चीज के लिए लगाया था। तो ऐसा चल रहा है दिल्ली में तो चलो एल जी को उन्होंने सरकार घोषित कर रखा है तंग करना है। पंजाब में सिर्फ उसके हमें अपना बजट सेशन बुलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। गवर्नर जो है वो कह रहे मैं बजट सेशन नहीं होने दूंगा। सो देश में इलेक्टेड राज करेंगे ना सिलेक्टेड राज सवाल ये तो फिर 140 करोड़ जनता जो है वो वोटिंग के लिए लाइन में क्यों लगती है? क्यों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा जाता है अगर सिर्फ 30-35 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री नहीं देश चलाना है? तो ये बहुत ही खतरनाक है फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। हर रोज किसी न किसी तरीके से राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो चाहे वो हमारे पानी जो पंजाब है पानी सतलुज हमारे पास ब्यास पानियों के जरिए है चाहे वो पुलिसिंग चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हर बात में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा एक मैं तो कहूंगा कि भगवान ने मौका दिया है देश प्रेमियों को इकट्ठा होने का
और शरद पवार जी के लिए ये कोई मेरे ख्याल में बड़ी बात नहीं, क्योंकि इन्होंने देश पर इतने संकट देखे और उन संकट में से जब निकलना था तो ये उस कमेटी के या उस सलाहकार जो कमेटी बनती थी उसके मेंबर रहे। बहुत बार देश पर इन्होंने संकट देखा और संकट को इन्होंने टाला भी और संकट से बाहर भी निकाला देश को। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक संकट आ गया है देश पर। सीए शरद पवार जी के यहाँ पर आए आप एक बार फिर अपने अनुभव का इस्तेमाल करके और इस देश को बचाइए, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाइए, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को ये जवाब दे सकें कि जब डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा था तो क्या कर रहे थे। हमसे हम ये कह सकें कि हम ट्राई कर रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और हम किसी भी माध्यम से इनको रोकना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।